हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट क्विक और इजी बटर चिकन रेसिपी। 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको ये बनाने के लिए और बहुत ही टेस्टी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, चाहे तो नॉनस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून बटर लिया है मैंने। बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें हमने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर लेना है। बोनलेस चिकन को ऐड करके हाई फ्लेम पर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे ये सिकेगा तो चिकन का कलर पूरा वाइट हो जाएगा और इसकी थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी। इसके बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए, सारा पानी उसका ड्राई हो गया है और चिकन यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो फिर इसका ऑयल आपने ड्रेन कर लेना है और सारा चिकन हम निकालेंगे बाहर। इसी कढ़ाई के अंदर हमने मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। तो बस चिकन तैयार हो गया है। अब इसमें हमने और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है, 1 सर्विंग स्पून के आसपास, और ये है 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसकी कच्ची स्मेल पूरी ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने सुहाना का गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड कर लेंगे ग्रेवी के टेस्ट के हिसाब से, चिकन में वैसे भी हमने ऐड नहीं किया था। इसको भून लिया है 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर ताकि मसाले जले नहीं। और फिर 1 बड़ा प्याज मिक्सर में ग्राइंड करके उसका पेस्ट ऐड कर लिया है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए फ्राई कर लेना है। बीच बीच में चला ले ताकि मसाले नीचे लग के जले नहीं और प्याज का पानी जब तक यहाँ पर पूरा ड्राई नहीं हो जाता है तब तक। जैसे ही प्याज का पानी ड्राई हो जाता है तो फिर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया था। अच्छे लाल टमाटर इस्तेमाल करें ग्रेवी में तो उसका कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। बस उसको मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। टमाटर का पानी पूरा सूख जाए तो फिर आपने इसमें जो चिकन भून लिया था वो ऐड कर ले। अब इसको हमने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल लो कर ले ताकि चिकन मसाला नीचे लग के जले नहीं। और फिर इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने टमाटो केचप ऐड किया है टैंगी फ्लेवर के लिए, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड की है। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं उसे, मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है। बस ये मिक्स हो जाए तो फिर इसको कवर करके 2 से 3 मिनट सिमर कर लेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से चिकन में आ जाए और मसाला चिकन को लिपट जाए। यहाँ पे देखिए अच्छे से मसाले की भुनाई भी हो गई है, चिकन के साथ भुन गया है। तो एक बार इसको आपने मिक्स कर लेना है। बस अब इसमें हमने पानी ऐड कर लेना है क्योंकि मसाले की भुनाई तो अच्छे से हो गई है। तो मैंने 1 कप में यहाँ पे गर्म पानी ऐड किया है। गर्म पानी ऐड करने से आपको उसको ज़्यादा देर बॉईल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी उसमें उबाल आ जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी गर्म है। जैसे ही अच्छे से उबलने लगे तो फिर दम कर लें 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है, ऑयल ऊपर आ गया है। और ये मैंने ऐड किया था 7 से 8 काजू, पानी ऐड करके बिल्कुल उसका फाइन पेस्ट कर लिया है मैंने, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। आप चाहें तो पाउडर करके भी ऐड कर सकते हैं। और फिर 2 से 3 चम्मच दूध के ऊपर की मलाई, इसके जगह पे फ्रेश क्रीम भी आप ऐड कर सकते हैं। काजू से क्या होगा कि थिकनिंग बहुत अच्छी मिलेगी और क्रीम ऐड करने से बहुत ही क्रीमी और सिल्की बनेगा। फाइनल टच के लिए ऊपर से 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड की है। कसूरी मेथी को आप हल्का सा भून कर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही ऐड किया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको सिमर पर छोड़ दें ताकि सारे मसालों का फ्लेवर्स उसमें अच्छे से उतर जाए और अगर चिकन में कोई कसर है तो वो भी निकल जाएगी। अब यहाँ लास्ट में मैंने हरा धनिया ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद है, इससे फ्लेवर एनहांस होकर ही आता है तो मैंने ऐड कर लिया है। तैयार है बटर चिकन ग्रेवी। ग्रेवी की आप कंसिस्टेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं पानी ऐड करके। इसको आप रिलिश कीजिए बटर नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। इंस्टेंट 15 मिनट में बनने वाली झटपट सी रेसिपी, मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।